दोस्तों, आज की वीडियो में हम बनाएंगे इंट्रो। आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे सर्च करेंगे गूगल पे कैनवा। कैनवा का जो लिंक आएगा वो आ जाएगा, नहीं आएगा तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे ही दूंगा। आप वहाँ पे जाकर सीधा के लिंक पे क्लिक करेंगे और और सीधा ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद आपको करना क्या है, आपको करना कुछ भी नहीं है। आपको ये फर्स्ट पेज कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, यहाँ पे लॉगिन हो जाना है। लॉगिन हो जाने के बाद आपको यहाँ पे सर्च कर लेना है यूट्यूब इंट्रो। आपको यहाँ पे सर्च करना है यूट्यूब इंट्रो और ऑप्शन आ जाएंगे। यहाँ पे आपको नॉर्मली क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे बहुत सारे इंट्रो आपको देखने को मिल जाएंगे। सिंपल मेरे को जैसे ये अच्छा लग रहा है, मैंने इस पर क्लिक किया और मैं एक इंट्रो बना लेता हूँ। तो इंट्रो बनाना बहुत ही ईजी है। जो ये बैक में दिखाई दे रही है, आप इसमें चाहे तो लिख सकते हैं। तो मैं सिर्फ एक ही रखूँगा, बाकी सबको मैं डिलीट करना चाहूँ तो जैसे सिंगल क्लिक करके और बैक का स्पेस दबा कर डिलीट कर दूंगा। जैसे किसको मैं गायब करना चाहूँ तो इसको मैंने ऐसे नीचे कर दूंगा और ये गायब हो जाएगा। यहाँ पर नॉर्मल डबल क्लिक करेंगे और डबल क्लिक करने के बाद आप जो भी लिखना चाहते हैं वो लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पर टेक्निकल ज्ञान अपने चैनल का नाम लिख लिया है और यहाँ पर डबल स्पेस दे दूंगा। डबल स्पेस देने के बाद इस पे जो लिखा हुआ है इसमें हम एनिमेशन डाल सकते हैं। एनिमेशन डालने के लिए हम देख सकते हैं कौन सा जो बेस्ट लग रहा है वो वाला ले लेंगे। मैंने ये वाला ले लिया। इस लेने के बाद अब मैं आपको प्ले करके दिखा देता हूँ कि ये कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। एक बार और मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ। अब जैसे ये ज़्यादा ऊपर लग रहा है तो मैं इसको नीचे ले लेता हूँ थोड़ा सा, और इसको मैं इटैलिक कर देता हूँ। इटैलिक ऑलरेडी है और ऑल भी कलर के ऑप्शन है। जैसे कि मैं कोई और सा कलर लेना चाहूँ, रेड लेना चाहूँ, रेड कर सकता हूँ। मगर ये ज़्यादा ही डार्क लग रहा है तो जो पहले नॉर्मल ऑप्शन था वही करूँगा। तो उसके लिए मैं सिंपल कंट्रोल जेड प्रेस करूँगा तो 3 बार नॉर्मल जो पहले था ये आ चुका है। ठीक है, अब दोबारा से एक बार आपको मैं प्ले करके दिखा देता हूँ। और यहाँ से आप डाउनलोड करना चाहें तो डाउनलोड कर सकते हैं। फिर डाउनलोड पर क्लिक किया और जैसा कि देख सकते हैं ये डाउनलोड यहाँ पर होना शुरू हो चुका है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।